खाना बन गया है। मेथी का पराठा, गोभी की सब्जी, मटर डाल रहे हैं इसके अंदर मैंने। हमें खा लेते हो, मुझे बहुत भूख लग रही है। उसके बाद आपसे बात करते आ गई हूँ मैं घर से फाइनली, और अब चाय पी रही हूँ। चाय पीने के बाद फिर जाऊँगी एडवोकेट के पास। मैं चाय पी रही हूँ, मेरी बाइक आ गई है और अब मैं चलती हूँ यहाँ से एडवोकेट के पास, फिर बात करते हैं उनसे। मुझे एक हेलमेट दे दिया, वो लगा लिया है मैंने, और अब मैं जा रही हूँ एडवोकेट के पास। ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया है और बहुत ठंड ठंडी हवा चल रही है, और यहाँ से मैं जा रही हूँ लेके संभल के। मुझे काफ़ी ट्रैफिक हो गया एक्चुअली, ऑफिस का छुट्टी का टाइम होता है सब कुछ। ये देखिए आप कितना ज़्यादा ठंडा वेदर हो रहा है, और आई थिंक फॉग जैसा लग गया है शाम को ना, कोहरा जैसा हो जाता है थोड़ा बहुत, और बहुत ज़्यादा रश हो जाता है क्योंकि इस टाइम ऑफिस की छुट्टी हो जाती है, सब ऑफिस से अपने अपने घर पर जाते हैं। मैं जा रही हूँ एडवोकेट के पास, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ इश्यू है मेरा पर्सनल, जो मैंने आपसे शेयर करा था आज के ब्लॉग में, और होपफुली आज वो रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 3 तारीख को मुझे कोर्ट जाना है, और कोर्ट जाके पूरा मैटर रिजॉल्व हो जाएगा मेरा। ये वाला जो पूरा है इसको गोल्ड कोर्ट रोड कहते हैं, ये देख सकते हैं आप, पूरा 43 सेक्टर है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे ये आउटलेट बने हुए हैं, साइकिल रोड पेंट, बॉडी केयर, एंड ये फेज़ 1 का रैपिड मेट्रो स्टेशन है। बहुत तेज़ बाइक राइड कर रही है, मुझे काफ़ी लेट हो गया है एडवोकेट के पास जाना था टाइम से, बट खाना वाना के चक्कर में चाय वाय पी, और फिर और भी बहुत सारे काम थे पर्सनल कुछ, तो बहुत सारे निपटाए और अब निकल गई वहाँ से, और अब पहुँच जाऊँगी थोड़ी देर बाद। वाला जो पूरा एरिया है ये देखिए, सेक्टर 43 का मेट्रो स्टेशन है, रैपिड मेट्रो स्टेशन, और यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट बने हुए हैं। और ये देखिए, ये है मेरा पुराना ऑफिस, EXL सेंट्रल कोर्ट बिल्डिंग में मैंने जॉब करी है 2 ईयर्स EXL में, तो ये मेरा पुराना ऑफिस आ गया। यहाँ पे बहुत अच्छे देखिए अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बहुत ही शानदार अपार्टमेंट्स हुए हैं, 1 करोड़ अरबों के होंगे। ये देखिए आप, यहाँ पे सारे ऑफिस ही ऑफिस हैं, गूगल, वेन्यू एंड हीरो डी, और ये देखिए ये मेरा EXL का जो था HR ऑफिस था, ह्यूमन रिसोर्स ऑफिस, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स टीम बैठती थी मेरी, हाँ थोड़ा टाइम पहले मैं जॉब करती हूँ यहाँ पे, तो बैठा था। सेक्टर 55 56 पे जा रहा है, बट मैं हॉरिजन सेंटर की तरफ जा रही हूँ। तो यार ये बिल्डिंग देखो कितनी अच्छी लग रही है, ये बिल्डिंग इसमें एक फ्लैट आई थिंक बहुत ही महंगा होगा, कितनी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है यार, 1 करोड़ अरबों के तो फ्लैट होंगे इसके अंदर। पूरा ऑफिस एक्चुअली जाम लग जाता है इस टाइम में, देखिए आप कितना जाम लग गया है, क्योंकि ये पूरा ऑफिस का टाइम होता है, ऑफिस सब लोग अपने अपने घर पे जाते हैं, 10 लोगों में शाम के टाइम बहुत जाम रहता है, मॉर्निंग में इतना नहीं रहता है, इवनिंग में बहुत रहता है, जाम में फंस गई हूँ। पहले मैं सोच रही थी मेट्रो से आने की, जाम में फंस गई हूँ मैं, और पहले मैं सोच रही थी मेट्रो से आने की, बट मेट्रो का जो रूट था मुझे हुडा मेट्रो स्टेशन मतलब उतरना पड़ता है, और वहाँ से फिर मुझे बस या ऑटो लेना पड़ता है, तो मैंने मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने सोचा डायरेक्टली बाइक बुक कर लेती हूँ, फिर मेट्रो से मैं उतरती चेंज करती, इस वजह से मैंने बाइक पे आना प्रेफरेबल समझा, बट ठीक है पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। तो कैसा फेस लग रहा है मेरे हेलमेट में, बट ठीक है सेफ की फेस, हेलमेट पहनना तो ज़रूरी है आपके यार, क्योंकि ज़्यादा शिप ये देखिए सर्कल है, यहाँ से मैंने टर्न कर लिया है लकी एक, अब जा रहे हैं सेक्टर 51 वाली रोड ही है, नहीं सेक्टर 51 वाली रोड की तरफ जा रही हूँ मैं, और अब जाम जो था वो ख़त्म हो गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा था क्योंकि शाम के टाइम ऑफिस वगैरह की छुट्टी होती है, तो जाम लग जाता हो गई है। मैं जितना लेट हो रही हूँ और ज़्यादा लेट हो जा रही हूँ, मैं सोचूँ टाइम पे पहुँच जाऊँ तो लेट हो जाऊँगा।
हेड लाइट ओपन हो गई है और भैया ने बाइक की स्पीड बढ़ा ली है बहुत ज़्यादा। घर जा रही हूँ, मुझे जाना था एडमिट। बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है, लोगों के घर बने हुए एक्चुअली। देखिए यहाँ से मैं निकल गई हूँ, रेड लाइट थी एक्चुअली, रेड लाइट से आगे आ गई हूँ। काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, ठंड में लग रहा है यहाँ पे, बहुत ठंड पड़ती है कड़ाके की। बहुत ज़्यादा दूर है एक्चुअली मेरे रूम से, मुझे रियलाइज हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा दूर, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। बाइक पर बैठे बैठे मेरी पूरी बॉडी पेन करने लग गई है। पहुँच जाऊँगी लेकिन सर 5-10 मिनट में, जाम की वजह से लेट हो गया। ये रास्ता देख लिया जा रहा है, ये ऑफिस बने हुए हैं यहाँ पे, आर्किटेक्ट राजस्थान वाला ही बैठा है यहाँ पे, मेट्रो स्टूडियोज। पहुँच गए यहाँ पे, ओह काफ़ी टाइम हो गया। पकौड़ी खा रही हूँ, राम जी के लड्डू, मेट्रो स्टेशन पर पहुँच गए। भुट्टा ले लिया मैंने भैया से, मैं ये खा लेती हूँ, उसके बाद मेट्रो स्टेशन पर। मेट्रो स्टेशन की लाइन में लग गई हूँ, चेकिंग हो रही है, सीट खाली मेट्रो मिल जाती है, सीट मिल जाती है तो वहाँ मेट्रो में बैठ रही हूँ और फिर रोड पर जा रही हूँ, फिर वहाँ से जाकर डिनर वगैरह प्रिपेयर करूँगी। ठीक है, मैं पहुँचने वाली हूँ सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन और यहाँ से मैं रैपिड मेट्रो चेंज करूँगी। मैं सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन और यहाँ से अब रैपिड मेट्रो चेंज करूँगी और फिर जाऊँगी अपने रूम पर, वहाँ जाके डिनर वगैरह प्रिपेयर करूँगी। और मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ यार, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतना ईजी है, मैं फालतू में टेंशन करती थी। अब सारा मैटर रिजोल्व हो जाएगा 1-2 दिन बाद, उसके बाद मैं जयपुर जाऊँगी और जयपुर जाके आपसे ब्लॉग्स वगैरह शेयर करूँगी। कि यहाँ से रोड पर कितना ज़्यादा रश हो रहा है सिकंदरपुर की रोड पर, और ये रास्ता जा रहे हैं रैपिड मेट्रो की तरफ, यहाँ से मैं नीचे जाऊँगी। यार कितना ज़्यादा रश हो गया है यहाँ पे, गाड़ियों का जाम लग गया है और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, बट मैं ये जो ट्रैफिक है इसको इग्नोर करती हुई रैपिड मेट्रो पकड़ूँगी, बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट वे है मेरे रूम तक पहुँचने के लिए। थक गई हूँ यार, पता नहीं आजकल क्या हो गया है, बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं है और बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती हूँ, बहुत ही जल्दी वीकनेस हो रही है बॉडी में, इसलिए घर जाने की सोच रही हूँ। और अब तो 3 तारीख को सारा मैटर रिजॉल्व हो जाएगा, तो घर जाके अपना खाने पीने पर ध्यान दूँगी, अच्छे से डाइट लूँगी प्रॉपर, अपनी बॉडी ठीक करूँगी। पहुँच गई हूँ मैं रैपिड मेट्रो स्टेशन पर, तो यहाँ से मैं अपनी मेट्रो का वेट कर रही हूँ, आई थिंक मेट्रो आने वाली है। तो बात करते करते मैं मेट्रो की तरफ ही देख रही हूँ और यहाँ पे ये देखिए 0 शो हो रहा है, इसमें 0 मिनट्स का टाइमर शो हो रहा है, तो आने वाली हो गई। मेट्रो आ गई, ये देखिए फेस 3-0-0 शो हो गया, तो यहाँ से मेट्रो आ रही है मेरी और मैं इसमें बैठ जाऊँगी अभी आराम से और अपने रूम पे पहुँच जाऊँगी और फिर डिनर करूँगी और फिर आपसे बात करूँगी। तो मेट्रो में और इस टाइम इतना रश नहीं हो रहा, मेट्रो तो खाली भी पड़ी है क्योंकि आई थिंक ऑफिस के जो टाइम था वो निकल गया। क्या मेट्रो स्टार्ट हो गई है और मैं रूम की तरफ जा रही हूँ। यात्रियों से अनुरोध है, देखिए यहाँ से मेट्रो से कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है रोड का भी, प्लस यहाँ पे जो अमेरिकन एक्सप्रेस बिल्डिंग है DLF, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है रैपिड मेट्रो से। यहाँ से कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है पूरा, यहाँ से कितना ब्यूटीफुल व्यू है यार साइबर सिटी का। एक्चुअली न्यू ईयर पर बहुत अच्छी लाइटिंग्स कर गई, लाइटिंग्स तो वैसे भी यहाँ पे रहती हैं बट अभी न्यू ईयर की वजह से देखिए कितना ज़्यादा डेकोरेट कर रखते हैं, क्रिसमस ट्री एंड लाइट्स, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और यहाँ का मैंने आपसे एक ब्लॉग भी शेयर करा था थोड़े टाइम पहले, साइबर हब का वही एरिया है साइबर हब का, ये देखिए आप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये वही शेप बिल्डिंग जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाई थी, ये है साइबर हब।
ऑफिसेज बने हुए हैं यहाँ पे, ज़्यादातर कॉर्पोरेट ऑफिसेज ऐसे हैं, बहुत अच्छा डेकोरेशन हो रखा है ये। न्यू ईयर की पार्टीज वगैरह अभी स्टार्ट है यहाँ पे, तो काफ़ी कॉर्पोरेट पीपल यहाँ पे आके अपनी इवनिंग इंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, रिलैक्स भी करते हैं, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ से दिख रहा है पूरा एरिया। अब ये मेट्रो जो है मॉल स्ट्रीट एवेन्यू पर जा रही है, मॉल स्ट्रीट एवेन्यू के बाद DLF फेज 3 जहाँ मुझे उतरना है, जहाँ पे मेरा रूम है वहाँ पहुँच जाऊँगा। और यहाँ से मॉल स्ट्रीट एवेन्यू से हार्डली 2 मिनट का जो डिस्टेंस है वो MBS मॉल का है। कभी कभी मैं वॉक करते हुए चली जाती हूँ, गई नहीं हूँ अभी काफ़ी टाइम से, बट जाने का प्लान कर रही हूँ, फिर वो भी आपको शो करूँगी पूरा ब्लॉग। ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा शो हो रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेशन है फेज 3 स्टेशन, और अब जो है डीलर फेज 3 स्टेशन आने वाला है। ये देखिए आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक्स का भी ऑफिस बना है, ये एक्सेल जो मेरा पुराना ऑफिस था उसकी ब्रांच यहाँ पर भी है। यही सोच रही थी यार, अभी शूज़ का बिजनेस तो मेरा चल रहा है, बट सोच रही थी जॉब वॉब स्टार्ट कर दूँ, देखती हूँ प्लान करती हूँ कुछ। ये कितना अच्छा व्यू दिख रहा है पूरा, ये मेरे रूम के बहुत ही पास में है पार्क, मैं यहाँ पे आके बैठ जाती हूँ कई बार, कई बार मन नहीं लगता तो यहीं पे आके बैठ के शाम में पहुँच गई हूँ DLF फेज 3 के मेट्रो स्टेशन पे। अब यहाँ से अपने रूम की तरफ जा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ मैं, लिफ्ट अंडर मेंटेनेंस है एक्चुअली, अदरवाइज मैं लिफ्ट से जाती हूँ हमेशा। ये देखिए पहले यहाँ पे सबवे बना हुआ था, पीछे जा रही हूँ भाई भैया के पास जूस पीने के लिए, और अब जूस पी लेती हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करूँगी जूस पी कर, जूस बहुत अच्छा होता है टमाटर आमला वगैरह सब। ठीक है रेडी हो गया है मेरा, उसको पी लेती हूँ फटाफट से, उसके बाद चलती हूँ। जूस पी लिया है मैंने और शायद मेरे बहुत रेडेड हो गए हैं क्योंकि उसमें चुकंदर था बहुत सारा। फ़ोन आया था अभी मेरे पास, मैं उसका गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है क्योंकि उसने खाना नहीं बनाया है, तो अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पे बीकानेर मिष्ठान भंडार पर, यहाँ से गोलगप्पे पैक कराऊँगी और उसके लेकर जाऊँगी। आ गया था मेरे पास में, उसने गोलगप्पे पैक करने को बोला था, करवाने को बोला था सॉरी, तो मैंने भैया से गोलगप्पे पैक करवा लिए हैं, और मैं जा रही हूँ उसके रूम पर, वहाँ पर जाके गोलगप्पे खाएंगे निधि के रूम पर। और ये निधि गोलगप्पे खोल रही है बहुत जल्दी जल्दी, आई थिंक उसको भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, इसने गोलगप्पे मंगवाए थे बेचारे ने, पेमेंट भी इसी ने करी थी, मैंने नहीं करी है। और भिखारी बोल रही है यार मुझे, मुझे कह रही है तू इतनी भिखारी हो गई है कि तू 40 रुपए के लिए ऐसा कर रही है। मैंने कहा यार निधि अभी थोड़ा बुरा वक्त चल रहा है, समझ कोई नहीं, बुरा वक्त आता है जाता, बुरा वक्त आता जाता है, निधि समझ रही है इस बात को, कोई बात नहीं। बट मेरा गोलगप्पे देख के मन कर रहा है खाने का, मैं 10 रुपए दे दूंगी निधि को, और निधि गोलगप्पे निधि गोलगप्पे खिलाई देगी मुझे पता है, निधि को पूरा विश्वास है। पर दया आ गई और उसने एक मुझे पानी पूरी दे दी है खाने के लिए, रमेश खाना स्टार्ट करते हैं। निधि वही करेगी जो कल करा था, जल्दी जल्दी खाएगी ताकि कुछ खाने को ना मिले, कोई बात नहीं। वापस आ गई हूँ मैं अपने रूम पर निधि के यहाँ से, और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं दूध ले आई थी तो दूध मार रखा है मैंने किचन में, दूध और टोस्ट मार रखे हैं, अभी अगर भूख लगी तो दूध गर्म करके पी कर सो जाऊँगी, और बहुत ही नींद आ रही है अब से, बात करते करते आंखें बंद हो रही हैं, पता नहीं मेरी बॉडी में वीकनेस हो रही है बहुत ज़्यादा, और थोड़ा स्ट्रेस भी है आपको पता है, तो बट स्ट्रेस भी दूर होने वाला है 2-3 दिन में, और फिर मैं स्ट्रेस फ्री हो जाऊँगी, अपने घर जाऊँगी, इन्जॉय करूँगी, फैमिली से मिलूँगी, थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी, जयपुर एक्सप्लोर करूँगी जो मेरी बर्थ प्लेस है, वहाँ के ब्लॉग्स बनाऊँगी तो थोड़ा अच्छा फील करूँगी। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक करते रहिएगा, और मेरे लिए प्रे करिएगा कि मेरी लाइफ ठीक हो जाए और मैं हैप्पी रह पाऊँ, क्योंकि जब तक इंसान अंदर से हैप्पी नहीं होता वो बाहर से हैप्पीनेस शेयर नहीं कर पाता। बट मैं पहले से काफ़ी ठीक फील कर रही हूँ अब, और होपफुली सब अच्छा होगा। ओके बाय, गुड नाइट।